स्टार्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग्स पर, टेबल्स पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टॉप पर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया है जो कि फाइनल खेलने के लिए जाएंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे, न्यूजीलैंड क्यों नहीं पहुंचा? लास्ट टाइम न्यूजीलैंड फाइनल खेला था, लेकिन इंडिया वो कंसिस्टेंट टीम है जिसने दोनों फाइनल्स खेलने हैं, यानी लास्ट टाइम भी खेली और इस बार भी इंडिया ही फाइनल खेलने जा रही है। बस दूसरी टीम चेंज हुई है, पहले न्यूजीलैंड थी और अब ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान इसमें सातवें नंबर पर है और सबसे आखिरी पॉइंट टेबल की अगर स्टैंडिंग देखें तो उस पर बांग्लादेश मौजूद है। हाँ जी रिजवान, क्या सिचुएशन है? देखिए ये तो हम अगर उल्टा चलें तो बांग्लादेश से शुरू कर लेते हैं। बांग्लादेश वो नंबर वन है, नीचे से नंबर वन एज यूजुअल। पिछले टेस्ट चैंपियनशिप में बांग्लादेश नंबर नाइन पे था, इस दफा भी नंबर नाइन पे है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये दूसरी दफा खेली जा रही है, पहली 1921 खेली गई और 1921-23 ये दूसरी वाली थी। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने का मकसद ये था कि पता चले कि जिस तरह वनडे का वर्ल्ड कप होता है और उसके बाद कोई टीम जीतती है, टूर्नामेंट ट्रॉफी उठाती है, तो हमें ये पहले पता ही नहीं होता था टीमों को कि यार कौन सी टीम अच्छी है। सारे क्लेम करते रहते थे कि जी मेरी टीम अच्छी है, हमारी टीम अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड सारी टीमें क्लेम करती थी। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बनाने का मकसद भी यही था। और उसके बाद जब ये इन्होंने पहला वाला फॉर्मेट किया तो बांग्लादेश 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने इसको खेला, बांग्लादेश केम 9th और इस दफा भी वो आए हैं 9th। पहले नंबर पे कौन सी टीम आई है? पहले नंबर पे आई है ऑस्ट्रेलिया। पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया थी तीसरे नंबर पर, इस मरतबा उन्होंने 19 मैचेस खेले और 11 मैचेस जीते हैं। और जो इनकंसिस्टेंट रही है दोनों चैंपियनशिप्स में वो है इंडिया। इंडिया पहले भी खेली फाइनल, इस मरतबा फिर फाइनल खेल रही है। 18 मैचेस खेले इंडिया ने, 10 मैचेस इंडिया ने जीते। तो मेरा ख्याल है ये जो अगर आपको देखें ना ऊपर की तीन टीमें तो वो ऑलमोस्ट वही हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। पहले न्यूजीलैंड और इंडिया ने फाइनल खेला, इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो फाइनल खेला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया 152 पॉइंट्स लेकर नंबर वन रहा और 127 पॉइंट्स के साथ इंडिया सेकंड पे रहा। मजे की बात यह है कि जो न्यूजीलैंड लास्ट टाइम फाइनल खेली थी वो टॉप थ्री टॉप फोर नजर ही नहीं आ रही जनाब अली। टॉप फोर तक अगर हम देखें तो इसके बाद साउथ अफ्रीका खड़ी है 100 पॉइंट्स के साथ, इंग्लैंड खड़ी है 124 पॉइंट्स के साथ। ये कमाल कर दिया इस बार इन टीम्स ने। साउथ अफ्रीका डिड वेल, साउथ अफ्रीका एक्चुअली डिड वेल, लेकिन हम मैं तो उल्टी साइड से चलूंगा। अब हम आ जाते हैं वेस्ट इंडीज के ऊपर। बांग्लादेश का भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो होम पे अपनी विकटें जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इंप्रूव अपनी एज अ टीम नहीं कर सकते। वो वही उनकी कोशिश होती है कि अनकुक्ड विकटें बना दो होम पे, बाहर जाते हैं तो उनको जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो लिटरली हार रहे होते हैं और वो ऐसा तीन तीन दिन में टेस्ट मैचेस हार रहे होते हैं। वेस्ट इंडीज पे भी आ जाए तो वेस्ट इंडीज इस बार वो दोस्त टीम जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा अरूज देखा 70s 80s अर्ली 90s में, और उसके बाद उनकी क्योंकि एक तो मुख्तलिफ कंट्रीज का वो मुरक्कब है, एक वेस्ट इंडीज इज़ नॉट अ नेशन, वो तो बारबेडस, एंटीगा और बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड, जमैका है, तो उसकी वजह से अब वहाँ पे क्योंकि एक्चुअल स्पोर्ट जो इसकी तरफ चलेगी उनकी हाइट्स और बिल्ड के हिसाब से वो ज़्यादा उनके अमेरिकन बेसबॉल, बास्केटबॉल इस साइड के ऊपर चले गए, तो उधर क्रिकेट थोड़ी सी कम भी हुई है और उसकी वजह से आपने देखा कि वो भी पिछली दोनों दफा में असल में क्रिकेट कम भी हुई है, थोड़ी सी इसमें एडअप भी कर देते हैं, फिर बाकी टीम्स पे भी बात करते हैं। क्रिकेट भी कम हुई है, कुछ उनके बोर्ड्स की नाअहली है बहुत ज़्यादा, उनके बोर्ड ने तबाही फेरी। एक तो प्लेयर्स के साथ पहले डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट रहा, दूसरा उन्होंने कमर्शियलिज्म में सबसे पीछे रह गए, खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और स्पॉन्सरशिप तलाश नहीं किए, कभी पाकिस्तान से उधार ले लो, कभी इंडिया से उधार ले लो, तो कभी इससे ले लो इस पर। अच्छा जी, मैं जरा इन दो टीम्स पे हम थोड़ी सी एंड पे बात करेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि ये तो फाइनल में है और इन टीम्स ने किस किस तरह से अपने टेस्ट मैचेस खेले, एक दूसरे के खिलाफ कैसे खेले, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। साउथ अफ्रीका 15 मैचेस में से 8 जीती, 6 हारी, एक्सीलेंट, 1 ड्रॉ हुआ, 100 पॉइंट्स के साथ। मेरा ख्याल है अगर एक चीज टीम को देखा जाए, साउथ अफ्रीका पिछली चैंपियनशिप में अंदर 6 नंबर पर थी और इस मरतबा उसने लैडर जो है क्लाइम करके तीसरे नंबर पर आ गई, तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुई है साउथ अफ्रीका की। और ये भी आप ज़हन में रखेंगे साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी हिकअप्स आ रहे थे टीम के अंदर, उनमें भी कैप्टनसी का भी इशू चल रहा था, टीम में कोई लड़के आ रहे हैं कोई निकल रहे हैं, तो वो भी अच्छी तरीके से जेलिंग नहीं हुई थी इनिशियली, लेकिन बाद में जाके बबूमा ने टीम को जो है वो रिकूप किया,
टीम को बेहतर लेकर आए। इतना कोई आला प्लेयर नहीं है लेकिन नहीं, लेकिन उसने कैप्टनसी अच्छी की और उसके बाद उसने टीम को अपग्रेड किया। आपने यही देखना होता है ना कि टीम कहां किस पोजीशन पे आ रही है, तो ओवरऑल टीम जो है वो बेहतर हुई है, नए लड़के आए हैं इसके अंदर, क्योंकि फैक्टर प्लेसेस नहीं उन्हें अवेलेबल रहा, फिर एबी डिविलियर्स छोड़ के चला गया टीम। अब मार्करम और क्वेंटन डी कॉक के ऊपर इस वक्त टीम ज्यादा बेस कर रही है। नहीं, मेरे ख्याल है वेंडर डूसन और वेंडर डूसन आया नहीं नए में मैं वेंडर डूसन आया, क्लासन आया, और फिर आप देखें कि अब तो रायल रोसो की इंडक्शन भी दोबारा वापसी हो गई है उसमें। अब यार अच्छी मतलब एक टीम बैलेंस नजर आ इंग्लैंड को क्या नहीं, एक मिनट, साउथ अफ्रीका के सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो उनका है पेस अटैक। पेस अटैक को लीड करते हैं बबूमा है, एंगीडी है, नॉर्किया है, ये तीन जो हैं ये बड़े ही क्रूशियल रोल अदा करता होगा। बबूमा तो बैट्समैन है, ये तीन उनके अच्छे पेस अटैक है, उसको महाराज जो उनका है बहुत आया, जो दो भाई जी अच्छा जी, आप आ जाए इंग्लैंड के ऊपर। यार सबसे ज्यादा पहले तो मैं बताऊं कि इस टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मैचेस उनको मिलके 22, 10 उन्होंने जीते हैं, जीते बिल्कुल, मतलब आप सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, कोई बहुत ज्यादा जीते नहीं है, जबकि मुझे था कि इंग्लैंड तो ऐसा कमाल कर देगी, बेस बॉल वाला एक फॉर्मूला आ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन अब वो देखिए चौथे पे खड़े। नहीं फॉर्मूला तो बिल्कुल आया, लेकिन फॉर्मूला का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये बैस बॉल आया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद, ऑस्ट्रेलिया जब इन्होंने विजिट किया ना और वो उधर ये दे क्रैश, मतलब 4-0 आ रहे थे शायद, और बिल्कुल पट्टा बैठ गया था टेस्ट चैंपियनशिप में, बेसिकली वो उनको जो है ना वो ले डूबी है, अदरवाइज उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया, अगर उसके बाद से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो देयर नंबर वन टीम इन द वर्ल्ड। यार 10 जीते हैं वो सिर्फ, और ये देखें ना 8 हारे हैं, मतलब जितने जीते उतने ही हार गए, 22 में 4 ड्रॉ किए, 5 टेस्ट तो आप इंग्लैंड में जाके हार गए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो जीते वो भी इधर ही जीत के चले गए। नहीं लेकिन हमारे पास से जो जीत, हमारे से तो जीतना ही था। नहीं लेकिन आप देखें, आप ये देखेंगे अब उसको मैकलम को आया कितना अच्छा हुआ है, नंबर एक, नंबर दो देखें टर्न अराउंड किस तरीके से उसने टीम को किया, एक नया फॉर्मेट, एक नया तरीका, नया नहज दे दिया टीम को खेलने के लिए, और ये खूबसूरती लेकर आए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और आप देखिएगा कि अगली चैंपियनशिप के अंदर इंग्लैंड की पोजीशन बेहतर होगी। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी टीम्स की। श्रीलंका, मुझे लगा श्रीलंका के हालात, एक तो जो पॉलिटिकल हालात है वो, और फिर जो श्रीलंका में एकदम से हम देखते थे कि प्लेयर्स ही गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए अच्छे प्लेयर्स, फिर वो टीम जेल हुई, दोबारा उसको इकट्ठा किया गया, कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बुरी परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा मैं श्रीलंका की। श्रीलंका स्टैंड करती है पाकिस्तान से ऊपर 5वें नंबर पे जी, 12 मैचेस खेले, 5 जीते, 6 हारे, 1 ड्रॉ किया, 44 पॉइंट्स लिए, बहुत बुरे हालात से निकल के, बहुत कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा मैं, क्या कहता हूं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, और कंसीडरिंग के लास्ट ईयर जो पिछली टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें वो 7वीं पोजीशन थी, सो दैट्स एन इंप्रूवमेंट। अभी उनकी नए प्लेयर्स आए हैं, नए कप्तान हैं उनके, निशान का इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर भी हो गए हैं, तो इट्स नॉट अ बैड परफॉर्मेंस एंड इफ दे कीप डूइंग इट, स्पेशली द कंडीशंस दे प्लेड इन, जो उनके कंट्री के हालात थे उसके बावजूद दे स्टक इट आउट एशिया कप के वनडे में, वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुसीबत डाले रखी है, होम पे दे बीन वेरी गुड, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान उनको हरा दिया था, बट होम पे दे बीन वेरी वेरी गुड, क्योंकि उसी से पहले ऑस्ट्रेलिया बड़ी परेशानी में देख कर गया था, पाकिस्तान ने फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उसके अगेंस्ट, तो ये एक बात आपकी सही है। क्या कहते थे श्रीलंका? देखिए श्रीलंका जो है बट ठीक मीडियोकर किस्म की टीम है, कोई इतनी ज्यादा मुझे फैसिनेट कभी भी नहीं किया श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका के पास बड़े नाम नहीं है, और दूसरी बात ये कि श्रीलंका अपने बचपन में पहले बचपन में थे, हजार रन बनाती थी टेस्ट में, जब आपके पास जय वर्धना था, सिल्वा था, जय सूर्या था, राणा टुंगा था, महिला जय वर्धने था, वो थे, लेकिन अब अगर देखें मैं समझता हूँ ये फिर वही टीम है कि जो दोबारा से बन रही है टीम, एक डेवलप हो रही है, अपने होम ग्राउंड पे अच्छा इसलिए खेलते हैं क्योंकि इनके पास स्पिन अटैक अच्छे हैं, इनके पास मिस्ट्री बॉलर्स हैं जो कि प्लेयर्स को तंग करते हैं, लेकिन जब ये आउट ऑफ होम खेलते हैं तो वहां
वहां जाके इनको प्रॉब्लम डेफिनेटली होता है, इनके बैटिंग उस हिसाब से क्लिक नहीं करती, एक्सपीरियंस का उतना इतने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस का फुकदान है इनकी टीम के अंदर, लेकिन ये वो टीम है कि अगर ये इकट्ठी खेलती जाए तो फिर ये बेहतर हो सकती है। लेकिन जो इनका प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है पेस अटैक के अंदर, पेस अटैक के अंदर भी इनका एक फास्ट बॉलर आया था जिसने वर्ल्ड कप भी खेला था, फर्नांडो नाम था, ये क्या नाम था उसका, और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये टीम जो है ना मीडियोकर लेवल की टीम है जो सही मीडियोकर लेवल की। अच्छा न्यूजीलैंड को क्या हुआ जी, छठे पे कैसे आ गई? पिछली बार आप फाइनल खेलते हैं, फाइनल जीत जाते हैं, इस बार अच्छा खेलना चाहते हैं। नहीं, न्यूजीलैंड की देखिए, एक तो न्यूजीलैंड को हमेशा क्रेडिट देना चाहिए कि देयर ऑलवेज कंपेरेटिव, जितनी छोटी वो कंट्री है, 50 लाख की आबादी है, उसमें आप देखें कि उसमें से भी वो सारी स्पोर्ट्स में भी खेल रहे होते हैं, उसके बावजूद लास्ट ईयर लास्ट टाइम दे वन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, उसके बावजूद टू कम टू कीप कम्पीटिंग, और हर दफ़ा ऑन एंड ऑफ उनके पास कोई अच्छे प्लेयर, एक दफ़ा सीरीज दो अच्छी लग जाती हैं तो वो ऊपर भी आ जाते हैं, बट देर ऑलवेज देर और देर अबाउट, सो यू नो गुड मीडियोकर टीम। नहीं लेकिन एक चीज है ना कि लास्ट टाइम आप फाइनल देखिए, सऊदी इंजर्ड ड्रा बीच में बोल्ड था उनके बॉलिंग अटैक में, वो भी बात नहीं रही है, ये रीजन एजिंग प्लेयर्स बहुत सारे आ गए, यंगस्टर्स वो नहीं आए, केन विलियमसन पे तो पूरी टीम टेस्ट में डिपेंड करती है। देखिए दो प्लेयर्स पे डिपेंड करती है टीम, सऊदी को बॉलिंग जो लीड करता है और केन विलियम जो के बैटिंग। अच्छा जी 13 मैच खेले थे, 4 जीते 6 हारे और 3 ड्रॉ किए, तकरीबन पाकिस्तान जैसे हिसाब किताब है, बस पाकिस्तान ने एक मैच ज्यादा जीता, पाकिस्तान पे इसके बाद बात करते हैं। तो चले ये हो गया न्यूजीलैंड, इस बार न्यूजीलैंड अनलकी रही क्योंकि उनके काफी सारे प्लेयर्स इंजर्ड भी रहे, उस सीरीज भी मुश्किल रही, ठीक हो गया, और फिर केन विलियमसन पे डिपेंडेंसी जो है वो बाकी प्लेयर्स उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से वो अब हमें छठे पे जाए आ जाएंगे। अपनी टीम अपना बचा पाकिस्तान 14 मैच, पहले मैं बताऊंगा 4 जीते 6 हारे 4 ड्रॉ किए, 64 पॉइंट लिए, तो पाकिस्तान साफ है। पाकिस्तान जो है क्या बात करें, पाकिस्तान के लिए साथ यही प्रॉब्लम चलता आ रहा है। पाकिस्तान को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने होम ग्राउंड पे, सीरीज मिली थी इंग्लैंड के साथ, और वो ऐसा मौका था कि अगर वो मैच पाकिस्तान 2 जीत जाता तो पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर सकता था फाइनल्स के लिए, लेकिन वहां बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हम, वो नहीं गेम जो है वो मिस करके, मेरे ख्याल है वहां इंग्लैंड ने हमें बहुत बुरे तरीके से मारा। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी मैं अगर इसमें ऐड अप करूं, हम इन तीन चीजों पर बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, हमने ये खेली, पाकिस्तान ने टेस्ट खेले इनके अगेंस्ट, हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला रहा ना वो शायद बैटिंग इतना बड़ा मसला नहीं रहा, हमारे पास बॉलर्स अवेलेबल नहीं थे, शाहीन नहीं था, हारिस रऊफ एक ही मैच खेलने में इंजर्ड हो गया, नसीम शाह वो भी कहीं था कहीं नहीं था, तो हमारे पास जो इररेगुलर बॉलर्स थे उन्होंने डैमेज। देखिए मैं इसमें एक बात को बात बताऊं, हारिस रऊफ की जहां तक आपने बात की, हारिस रऊफ हैज नेवर बीन अ टेस्ट बॉलर, ओके, बट लेकिन नसीम शाह का एक प्रॉब्लम था, लेकिन जो असल पाकिस्तान का इशू था वो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरीके से कभी भी नहीं बैठा, आपकी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आप डिपेंड हमेशा करते हैं अपने बॉलिंग के ऊपर, अगर बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं फिर पिचेस उस हिसाब की बनानी चाहिए जहां बॉलर्स को सपोर्ट मिले, हम हमेशा है ना वो दिमाग हमारा कंफ्यूज रहता है कि क्या बॉलर है क्या अगर बड़ा हम इसको रियलिटी कहें बिटर रियलिटी कहें मिसबाउन हक की जो जोड़ी हुई टीम थी टेस्ट की बात कर रहा हूं उस टीम के जाने के बाद उन प्लेयर्स के रिटायर्ड होने के बाद खास तौर पे यूनुस और मिसबा के जाने के बाद असद शफी की प्राइम फॉर्म चली गई अजहर अली की प्राइम फॉर्म अचानक से चली वो दो गए तो ये भी चले गए ये जो डैमेज पहुंचा अचानक से उसके बाद बाबर ने इकट्ठी की टीम बाबर अब नए लड़कों के साथ चल रहा है तो यहां पर थोड़ा सा पाकिस्तान को हुआ कि वो जो क्लास ऑफ यूनुस खान होती थी जहां पे परेशानी होती थी या मिसबाह हक की क्लास थी जहां पे आप एंड पे आके फंसते थे और वो निकाल लेते थे वेस्ट इंडीज हो गया बांग्लादेश हो गया ऐसे लातादार इवेंट्स हमारे पास मौजूद है क्या कहते हैं पाकिस्तान की टीम कभी भी टीम नहीं रही हमेशा इट्स बीन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक मर्सनरीज जो के पैसे लेके खेल रहे होते हैं कोई अच्छा खेल देते हैं यार ये बात यही है आप देखो पिछली दफा मिसबाह ने आपको नंबर वन टेस्ट टीम पिछली दफा ये उसने बना दिया ना लास्ट टाइम वी केम 6 इस दफा हम 7 आए और हम क्या रो रहे होते हैं कि जी देखिए बाबर आजम ने 4000 रन 35 इनिंग में बना के ये कर दिया जान छोड़ेंगे मैं उसको इंडिया की टेक्स्ट बुक में उन्होंने शामिल कर दिया दुनिया का बड़ा तरीका यार वो अकेला परफॉर्म कर रहा है क्या यार आप छठे सातवें पे खुश रहे कंसिस्टेंसी क्या अभी कंसिस्टेंसी क्या अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं करता इमामुल हक और बाबर परफॉर्म किए जा रहे सारे मैचेस में
रिजवान भी एक आधे मैच में परफॉर्म करता है टेस्ट में, और परफॉर्म कर कौन रहा है ना, वो भी बनाने नहीं देते ना, उसके पीछे सेल्फिशनेस के ऊपर चले रहे हैं। बात सेल्फिशनेस, बात चलने के लिए यार, मुझे बात कंप्लीट करना नहीं, हम उसी बात पे लगे रहते हैं कि बड़ा कमाल हो गया रिजवान की इतनी इनिंग में इतने रन हो गए। यार ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इट इज अ टीम गेम एंड वी डोंट प्ले एज अ टीम। जहां तक उसने बॉलिंग की बात की काशिफ ने, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम सारे बॉलर हमारी जो है ना उनकी प्रायोरिटी है T20, चार ओवर की फिटनेस है, टेस्ट में आते हैं तो उनकी वो खत्म हो जाती है, वो लंबा स्पेल ही नहीं करा सकते ना नसीम शाह ना हारिस रऊफ, सिर्फ शाहीन अफरीदी। अब शाहीन अफरीदी के ऊपर आपने कितना चैलेंज है, बैटिंग में बात करें रिजवान बाबर इज अ वंडरफुल प्लेयर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन एज अ टीम किसी को डेवलप नहीं करने देते ये लोग। आपने जो पिचे बनाई, देखिए कैप्टन का उतना ही रोल होता है होम की पिचेस पे जितना के बोर्ड का होता है, बोर्ड के साथ कैप्टन ने नेगोशिएट डिस्कस करने टीम को बताना होता है। आपने मरी विकेटें बनाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मरी विकेटें बनाई इंग्लैंड के खिलाफ, मरी विकेटें बनाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ये आपके पास इतनी आसान होम टेस्ट सीरीज वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी। आगे अगली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, मैं आपको आज बता रहा हूँ पाकिस्तान ने नहीं जीतनी, उससे अगली भी नहीं जीती, क्योंकि उसमें आपकी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अवे सीरीज आ रही है। आज तक कभी आप 70 साल की हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को उधर नहीं हरा सके, अभी आपने हराना है, आपसे तो होम में नहीं जीता जाता। देखें पाकिस्तान की अगर कारकर्दगी की बात की जाए, अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन उसमें पाकिस्तान के और फैक्टर्स भी थे, इंजरी बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान के साथ, बेंच स्ट्रेंथ, सॉरी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है तो एक प्लेयर को इससे अगला बेंच स्ट्रेंथ पे बस आप दोनों ने बोल दिया, थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो यार, मेहरबानी। हां नहीं देखें प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है ना, हमेशा से उनका पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान का बोर्ड है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान की मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मैं जिस तरह बार बार आपसे करता हूँ, कंफ्यूज मैनेजमेंट है, उसको नहीं पता कि हमने कौन से प्लेयर्स खिलाने, नंबर एक, नंबर दो उनको किस किस्म की इन्वायरमेंट देनी है, किस किस्म की पिचेस देनी है। अगर हमारा पेस अटैक अच्छा है, अगर हम बॉलिंग पर रिलाई करते तो फिर उस हिसाब की विकेट्स होनी चाहिए हमारे पास। दूसरी बात, बड़ा फुकदान रहा है भाई टेस्ट में, स्पिनर्स हमारे पास उस क्वालिटी के नहीं है काशिप, क्या कहते हैं भाई, डेवलप ही नहीं किए ना आपने, कहां से डेवलप करें, डोमेस्टिक से ला दीजिए ना, कहां से आपने डोमेस्टिक, डोमेस्टिक पे भी कहते हैं बाबर की गलती है कि पूरे डोमेस्टिक को, यार आप इंडिविजुअल की गलती की बात ना करें, आप ओवर, मेरा ख्याल है हमारे स्ट्रक्चर फॉल्टी है, स्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है, अगर वो आप इंप्रूव करेंगे डोमेस्टिक से चले, अच्छा एक काम चल, बस बहुत हो गया, हम एक इस पे ना एक अलग से सीरीज करेंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक के हवाले से, और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, जब से डोमेस्टिक शुरू हुई क्या हुआ, कैसे आए बड़े प्लेयर्स, कैसे आते रहे, हादसाती तौर पे ज्यादा बड़े प्लेयर्स आए, भी आपको बता दूं कई ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने डोमेस्टिक खेली नहीं, इंटरनेशनल भी खेल ली, मैं तौसीफ की बात कर रहा हूँ, और ऐसे कई हादसाती प्लेयर्स आए जिन्होंने थोड़ी सी डोमेस्टिक खेली और फिर उन्होंने आके इंटरनेशनल खेली तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, और फिर कई ऐसे प्लेयर आए जो बेचारे अकेले खेल रहे थे, वापस चले गए तो हमें उनका नेमल बदली कोई नहीं मिला, सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक, एक लंबा सफर, बड़े बस मुश्किल हालात हमारे, आपकी बात इससे एग्री कि स्ट्रक्चर का इशू। चले जी सेकंड ट्रिप पे अब तक के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे बात करें, अच्छा कर छोटा सा ये कि हमें ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि जो आईसीसी ने ये बिग थ्री वाला शुरू किया था ना, ऐसा ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड, वो बिल्कुल ठीक किया था, ये हमें एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, जो हमारी परफॉर्मेंसेज आ रही है ना वो एंड में बड़ी तीनों टीमें वही है, इस बार नहीं है वो कुछ और गेम थी, वो ये नहीं थी भाई, वो पैसों की बंदरबांट थी, वही है ना वो पैसों की बंदरबांट थी, वो टेस्ट के ऊपर ज्यादा दारी थी, आपको पता है सबसे ज्यादा टेस्ट खेले हैं उन लोगों ने पिछले उन इयर्स में जिनमें वो बिग थ्री थे, उन्हीं ईयर्स में वो टेस्ट, वो वेन्यूज जहां पर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है वहां पर उन्होंने अपने मवाके खुद पैदा करके बाकी आओ इन्वेस्ट की आओ मैं चले 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 चल इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन हम अगले एक एपिसोड इस पर बिग थ्री चले जी, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अगली एपिसोड का वेट करें, बड़ी मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड आएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, बस ये पूछने जा रहा हूँ कौन जीतेगा, इंडिया हाँ जी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, बाय बाय।